नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जीडीएस से जुड़े सभी लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक वॉइस मैसेज सुनाने वाला हूं जो कि SS महादेवैया जी ने खुद सभी जीडीएस के लिए भेजा है। तो दोस्तों, इस मैसेज को ज़रूर सुनिए और इसे जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए। प्रिय साथियों नमस्कार, मैं महादेवैया बोल रहा हूँ, महासचिव ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक को। आज दो दिन का हड़ताल सफलता के साथ जारी करके अभी कल तीसरे दिन पर हम लोग पहुंच रहा है। साथियों, आप लोगों में पहले दिन का पहले हड़ताल शुरू होने के पहले एक वॉइस मैसेज से आपके द्वारा मैं निवेदन किया था। आज हमारा ये तीसरे दिन पर जा रहा है, कल हड़ताल का ये संबंध में सरकार ने कल बातचीत के लिए बुलाया था सेक्रेटरी पोस्टल बोर्ड का 2-3 ऑफिसर। इसका जानकारी हम लोगों पूरा वेबसाइट में डाला है, इसका लेटर भी लिखा है, लेटर एको डराने का लेटर भी लिखा है सरकार। आज भी हम लोग सुबह से शाम तक पता लगा, कुछ सर्कल सेक्रेटरी, कुछ डिविजन सेक्रेटरियों का, कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारियों का देश भर में बुला के इस तरह ट्रिक्स बना रहा है। आपका सर्कल में ज्यादा, दूसरे सर्कल में नहीं है, आप थोड़ा सा हड़ताल को लूज करो, इतना परसेंटेज मत करो, इस तरह करके आसाम से लेके इधर महाराष्ट्र तक को सभी जगह में ये इस तरह ट्रिक्स प्रशासन की द्वारा स्थानीय प्रशासन कर रहा है। हम लोग का यही बोलना है, जिस्ट डराने का, धमकी देने से, इस तरह ट्रिक्स बनाने से हड़ताल रुकेगा नहीं। हम लोग का है, हम लोग का समाधान चाहिए। 170 साल से नहीं है, सिवन 70 साल से भी नहीं दिया, हर वक्त हमारा साथ प्रशासन इस तरह कोई षड्यंत्र करके इसका तोड़ रहा है। साथियों, इसका आने वाला समय में हम लोग प्रस्टेज, हमारा पूर्व सिद्धांत लोग बोला है कॉमरेड द बाबू तारापाड़ा हो और बाबा साहेब अंबेडकर हो, कोई हो, हर ट्रेड यूनियन में श्रमजीवियों का मुख्य ने ये बोल के गया है, इतना संगठित करना है और इतना हम लोगों लड़ना है। अन्याय का किधर अन्याय होता है, इसका हम लोगों प्रतिभटना कलवा और कोई रास्ता नहीं। यही एक अच्छा है, ये एक इंडपनिष्ठ कमरा अंतिम अस्त्र है। इसलिए साथियों, मेरा एक निवेदन, हर एक जीडीएस को इस संदेश भेजिए, सरकार समय समय पर ये करता है। कुछ अदर इधर साथियों ने दबाव में भी आ सकता, उनको दबाव में आने की जरूरत नहीं, बोलिए। हमारा हित के लिए लड़ाई है, हमारा छोटा अभी मांग है, कम से कम जूनियर सीनियर का समस्या समाधान के लिए हम लोग कुछ निवेदन कर रहा है। और एक अरियर्स हम लोग का पैसा देने में धोखा दिया है, ये हमारे साथ बेट्रायल हुआ है, इसका ठीक करो। और कुछ ग्रेचुटी का संबंध में, ये 1,50,000 क्या होता है, हम लोग का एक दिन 6,000-6 लाख रुपए क्यों नहीं ले सकता, इसका 1,50,000 का निकालो। और कुछ इस तरह हम लोगों बोला है, परंतु इसका लिख के देने का भी तैयार नहीं है। और हमारे पास आज पोस्टल पेमेंट बैंक के ये दूसरी RICCA तैयार है, उनको भी दबाव में है, ये लोग दबाव में आके कुछ बात कर रहा हो तो कोई नहीं। हम लोग शांति से कल बोल के आया है, आप इस रास्ता छोड़ के हमारा समस्या का समाधान करने के लिए आप रास्ता ढूंढो करके बोल के आया है साथियों। इसलिए मैं ये निवेदन, एक जीडीएस से मैं निवेदन करता हूँ, राजस्थान हो, हरियाणा हो, कोई जगह से, पंजाब हो और तमिलनाडु, मेरा एक निवेदन है, ये जीडीएस के हित के लिए लड़ाई कर रहा है। यदि हम लोग आज लड़ाई से कुछ हासिल किया तो समस्त जीडीएस का होगा। इसमें मैं बार बार बोला हूं, सभी यूनियन का हम लोग निवेदन किया है, NAPO, BMSO, सभी FNPO, सभी फेडरेशनों का, सभी यूनियनों का हम लोग अपील किया है, इस संघर्ष में आप साथ दो। हम लोग शोषित लोग है, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहा है, कुछ आने टाइम में आप लोग एकता दिखाने में इस तरह मत करो। इसका हम लोग अच्छा देश भर में एक ये उपलब्ध भी हो रहा है, लोग जोड़ रहा है। इसलिए साथियों, मैं निवेदन करता हूं, कल से हमारा परसेंटेज बढ़ना चाहिए, इतना परसेंटेज बढ़ना चाहिए। सरकार का ये जो एक ये होता, हम लोग दबाव करने का तरीका होता है परसेंटेज। इसलिए हर जीडीएस, कोई पोस्ट ऑफिस में काम करने का जरूरत नहीं, कोई जीडीएस किसी तरह ट्रेनिंग इत्यादि में भाग लेने का नहीं, नया हो पुराना हो, कोई इस संबंध में डरने का जरूरत नहीं। इसलिए साथियों, आप लोग कल से
मैं बोल रहा हूँ सरकार हर तरह का हर जाग में कुछ प्रयास कर रहा है यार, संघर्ष का कमजोर करने के लिए। इसका अवसर मत देना, हम लोग हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा बोलता है। हम लोग इस संघर्ष का सफलता बनाने के लिए हर GDS में मैसेज का पालन करने का निवेदन करिए। ये हर एक कभी रिक्वेस्ट करिए, हम लोग किसी का धमकी नहीं दे रहा है। हम लोग प्यार से विनम्र निम्रता से इस हड़ताल में भाग लेने के लिए, हो सकता एक व्यक्ति का बीच में यूनियन कुछ व्यत्यास हो सकता, परंतु हमारा हित के लिए संघर्ष में सभी जोड़ना पड़ेगा, सभी हमारा संघर्ष में आना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोग से द्वारा मैं निम्र निवेदन करता हूँ, आप लोग का माध्यम से हर GDS कभी हम लोग का आने वाला समय में इस हड़ताल और कितना दिन हो तो हम लोग का कोई ये नहीं है, हमारे ऊपर कोई किसी तरह दबाव नहीं है, हम लोग इसका आगे बढ़वा देगा, हड़ताल चलता रहेगा। ये इसका हम लोग इसलिए आप लोग का सहयोग है। हम लोग परसेंटेज करना है, पिछले बार हम लोग 16 दिन का किया है, सरकार कितना दिन करवाता है? ये हड़ताल हम लोग नहीं कर रहा है, सरकार करवा रहा है, प्रशासन कर रहा है, डाक प्रशासन करवा रहा है। GDS का हर जगह में नजर अनदेखी करता है, हमारा मांगों का इंसान नहीं समझता। आप रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं हो, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हो करके बोल के इस तरह कर रहा है। इसलिए साथियों इसका हम लोग आवाज उठाने के लिए, ये संघर्ष हमारा स्वाभिमान के लिए, हमारा स्वाभिमान का कायम रखने के लिए GDS का ये संघर्ष चल रहा है। इसलिए इसमें हर एक GDS कभी मैं निवेदन पूर्वक निवेदन करता हूँ, सभी इस हड़ताल में भाग लेके आने वाला समय से भी हमारा आगे प्रतिशत भागीदारी ज्यादा करने के लिए हर एक GDS को मैं निवेदन करता हूँ। इस संदेश आप लोग हर एक तक करो, आपका ये क्षमता हमारे में आप लोग में है, आप लोग कर सकता, हमारा सफलता का गरी तक हम लोगों जाने के लिए आप लोगों संगठन के द्वारा हम लोग प्रयास करेगा, संघर्ष के द्वारा इसका हम लोगों आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा। ये अवसर पर इतना बोलते हुए आगे समय पर हम लोग आपका बीच में आएगा, ये बोलते हुए शुभ रात्रि, सभी का धन्यवाद, अर्थ GDS साथियों का जिंदाबाद, ये GDS कभी जिंदाबाद, JCA कभी जिंदाबाद, समस्त GDS कभी जिंदाबाद, ये बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।